होते 18 घंटे से क्यों जागते रहते हैं, नींद कैसे आएगी, अपने ही भाषण याद आते रहेंगे, अरे साहब मैंने उस वक्त तो यह वादा कर दिया था अब क्या करूं। तो ऐसे आदमी को नींद आ भी नहीं सकती, तो हम तो हैरान है कि 6 घंटे 7 घंटे भी कैसे नींद आ रही होगी। मुझे नहीं लगता कि वो 24 घंटे में से 1 घंटा भी सो पाते होंगे अगर मैंने ऐसे झूठे वादे किए होते। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा जरूर देखें और देखें संबित पात्रा की लाइव डिबेट में धज्जियां उड़ते हुए पॉपकॉर्न के साथ मजा उठाते हुए। पर पहले हम चलते हैं हमारे सुप्रीम लीडर के आज के भाषण के ऊपर, क्या कहा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने, और कहा कि हमारे सुप्रीम लीडर को थोड़ा बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी, पिछले नवंबर महीने में कम की। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। किस मुंह से वो ये बातें करते हैं हमें तो यह नहीं समझ में आता। 26 लाख करोड़ तो आप सेंट्रल एक्साइज से पिछले 8 साल में अर्जित कर चुके हैं पेट्रोल डीजल पर, उसका हिसाब दिया आज उन्होंने मुख्यमंत्रियों को। बोलने से पहले उन्हें खुद सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। राज्यों को आप जीएसटी का जो उनका हिस्सा है वो देने में रुला देते हो, लिटरली रुला देते हो, उसके बाद किस मुंह से ये हिम्मत दिखाकर कहते हो कि आप वैट कम कर दीजिए। अगला वीडियो है हमारे कंट्रोवर्सी बाबा का, जो आपके बच्चों को ऐसी गलत शिक्षा देंगे कि ताजमहल पहले तेजो महल्य था। अरे हमारा सरकार से निवेदन है, कोई इन चच्चा का फोन इनसे लेकर व्हाट्सएप डिलीट करवा दो, वरना भोले का प्रसाद के बाद बाबा अनाप शनाप बोलते हैं और फिर कहते हैं कि हमें कोई कहीं भी घुसने नहीं देता। अरे भाई अगर ऐसी हरकतें होंगी तो कौन आने देगा आपको कहीं पर भाई। छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं, श्री धाम अयोध्या से मैं आया। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल, ताजमहल नहीं तेजो महल है, और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाएगा। जय श्री राम। ये तस्वीर सभी नफरत फैलाने वाले संघियों के मुख पर कस के तमाचा है। इस तस्वीर में हमारे फौजी भाइयों ने धर्मों की एकता का उदाहरण दिया है। इस तस्वीर में लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे जी नमाज अदा करते नजर आए, और हम भी अभी सब संघियों का रिएक्शन देखना चाहते हैं कि कौन कौन हमारे रक्षक सुपर हीरोज को एंटी नेशनल कहना चाहेगा। हमने ही राज किया इस धरा पर, हम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं। भगवान राम और कृष्ण से लेकर के आज तक हमारा ही साम्राज्य यहां पर कायम रहा। फिर दलित आ जाते हैं, अभी एक आंदोलन चल रहा है मूल निवासी, बोला हम मूल निवासी हैं, बाकी भारतवासी सब बाहर से आए हैं। फिर जहर को बोलते आपस में, फिर आदिवासी के कुछ संगठन, फिर मुस्लिमों के कुछ संगठन, और फिर रामास्वामी पेरियार जैसे नास्तिक लोग जो ईश्वर के मानने वालों को महामूर्ख, ईश्वर के प्रचारकों को धूर्त और धर्म को जहर कहते हैं, उनका इतना जबरदस्त प्रचार हो रहा है। और मुझे अपने घर जाना है। सारे इस दुष्प्रचार का केंद्र होता है अपने भारत के पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं के चरित्र का हनन करना। ऐसे में वैचारिक रूप से मैंने परसों ही मीडिया में जब बात की दिल्ली के पास गुड़गांव में, तो मैंने कहा कई तरह का आतंकवाद दुनिया में चलता है, उसमें ये वैचारिक आतंकवाद बहुत खतरनाक है, वैचारिक आतंकवाद। और वैचारिक आतंकवाद जहां एक और इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है,
तो ये वीडियो है हमारे बिजनेसमैन रामदेव का और इसमें कितनी खूबसूरती से ये सुवचन देते नजर आए हैं और ये वीडियो सब दलित और आदिवासी भाई बहनों को देखना चाहिए जिन्हें इलेक्शन के समय ये सभी पार्टीज आश्वासन दिलवाती हैं और कहती हैं कि आप हमारे हिंदू भाई हो, पर जब हक देने की बारी आती है तो आपको अपने भाईचारे में से निकाल दिया जाता है। अगले क्लिप में हम देखेंगे हमारे हमारे बीजेपी प्रवक्ता श्री संबित पात्रा जी की कुटाई, पर इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता के हाथों नहीं बल्कि आपके प्रवक्ता राघव चड्ढा के हाथों से हुई है। मतलब ये व्यक्ति जहां भी जाता है वहां लोग मुंह पर ही सत्य बोल देते हैं बेचारे के। भाई बड़ा रोमांचक है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल किया कि क्या गृह मंत्री नहीं संभाल पा रहे दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर। कभी गैंग वॉर होती है, कभी वकीलों पे गोली चढ़ती है, कभी तमंचे लेकर लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, मस्जिदों पे पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं गृह मंत्री? अमरीका में अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो वो जेल जाता, हिंदुस्तान में कोई जेल कोई गुंडागर्दी करता है तो भारतीय जनता पार्टी में जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यूरोप के किसी देश में किसी की बहन बेटी को कोई छेड़ता है तो उसकी जगह जेल में, हिंदुस्तान में बहन बेटी को छेड़ने वाले शख्स की जगह भारतीय जनता पार्टी में। उन्नाव रेप की बात हो, हाथरस रेप की बात हो, या किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे बेरहमी से कुचलने की बात हो, वैलेंटाइन डे की बात हो, या किसी फेस्टिवल की बात हो, हर जगह गुंडागर्दी और दंगे भारतीय जनता पार्टी करती है। गुंडों का दफंगों का कोई मजहब नहीं होता सुमित भाई, भाजपा भारत की जाहिल पार्टी बन चुकी है, गुंडागर्दी करती है सरेआम, और ये आज हमें धर्म और राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं। ये इनके पूर्वज तेजों की मुखबरी करते थे, आईएसआई से पठानकोट की जांच करवाते हैं, पठानकोट हमले की पीडीपी अलगावादी लोगों के साथ इन्होंने सरकार बनाई, गुरु को शहीद कहने वाली पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार ये लोग बनाते हैं। शहीदों के ताबूत में इन लोगों ने घोटाला किया, नवाज शरीफ के पास बिन बुलाए न्योते पे पाकिस्तान चले जाते हैं, उसके बर्थडे का केक खाने। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 52 साल के मुख्यालय पे इन लोगों ने तिरंगा झंडा नहीं लहराया। भारतीय जनता पार्टी को कीमत पे जांगने पूरी के ना, ये हिंदुओं की है, को ये बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ये गुंडों और समित भाई, समित भाई जो बात राघव चड्ढा कह रहे हैं मैं चाहूंगा। और वो वीडियो आ चुका है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। देखिए इस क्लिप में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के सामने जब चाटुका रंजना ने कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़ा किया तो पवन खेड़ा का 1200 एचपी वाला इंजन गर्म हो उठा और अपने शब्दों का असला दागने लग गए संबित पात्रा के ऊपर और ऐसे ऐसे बोलों के बाण चलाए कि संबित पात्रा चुपचाप सुनते ही रह गए और रंजना दीदी भी देखती रह गई और बीच में जो ऑडियो म्यूट है वहाँ पर गीत है महंगाई के ऊपर। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डैन खाए जात है। बोलेंगे पवन खेड़ा जी, बोलेंगे उसके बाद तुम्हारी जी। पवन जी आपकी अच्छा, सरकार है गठबंधन, ठीक है ठीक है, आपकी गठबंधन की सरकार है महाराष्ट्र में, क्या एक मुख्यमंत्री का अंजना जी जो उनका लहजा था जो उन्होंने कहा है वो कहा है मैं बाबा साहब के बाला साहब के अंदाज में आता है ठीक करना दादागिरी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अंजना जी मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, सम्मान करते हुए इसे बंद कर देता हूं। ठीक है, नहीं मैंने आपके कार्यक्रम के नियम है, थोड़ी देर और चलाता तो आप मुझे डांट भी देती शायद और मुझे डांट खानी भी पड़ती क्योंकि मैं आपकी शर्तों पर आपके कार्यक्रम में बैठा हूं। अरे कहना क्या चाहते हो, आपका कार्यक्रम है लेकिन यही नियम जो सरकार में बैठे होते हैं उन्हें भी पालन करने होते हैं और जो आंदोलन जो करना चाहते हैं। आप किस चीज का विरोध कर रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़नी, पढ़िए ना, कौन रोक रहा है आपको, घर पे पढ़िए। क्या? लेकिन नहीं साहब, वो सड़क पर आते हैं तो हम भी सड़क पर आएंगे,
क्यों साहब? आपके धर्म की परंपराओं को आप बदल देंगे, किसी और के मजहब की रवायत के हिसाब से आप अपने धर्म की परंपराओं को बदलने को तैयार हैं? ये कैसे ठेकेदार है मेरे धर्म के भाई? तो मेरा धर्म हिंदू धर्म मेरा भी है, ये बन गए संबित जी उसके ठेकेदार और कह रहे हैं मैं नियम बदल दूंगा, सारी परंपराएं बदल दूंगा। मैं नहीं बदलने दूंगा संबित पाठक को मेरे धर्म के नियम। संविधान को आप धज्जियां उड़ाएंगे, मेरे धर्म के परंपराओं की आप धज्जियां उड़ाएंगे। पाकिस्तान में ये होता है तो साहब हम भी ये करेंगे। अरे भाई, पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हो इस देश को? गजब बेइज्जती है। नहीं साहब, अफगानिस्तान में भी ये होता है। ये तो इनके लक्ष्य हैं। हिंदुस्तान को कहां तक ले जाना है साहब? पाकिस्तान देख रहे हैं। जब देखेंगे संबित पात्रा जी पाकिस्तान की तरफ देख रहे होते हैं। क्यों साहब? साहब बात समझ लीजिए अंजना जी, इनकी नियत में ना हिंदू धर्म है ना संविधान है। इनकी नियत है कि कैसे ये महंगाई जैसे मुद्दों से, पेट्रोल डीजल जैसे मुद्दों से लोगों को हटाया जाए, बार बार लड़वाया जाए, समाज में इस तरह के मुद्दे लाए जाएं ताकि ये बचे रहें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी से कोई उनके पुराने भाषण नहीं याद दिला दे कहीं 2014 के कि पेट्रोल पार अब की बार मोदी सरकार, डॉलर पार अब की बार मोदी सरकार, उन नारों से ये डरते हैं अब रात को। अच्छा मोदी जी क्यों नहीं सोते 18 घंटे से? क्यों जागते रहते हैं? नींद कैसे आएगी? अपने ही भाषण याद आते रहेंगे। अरे साहब मैंने उस वक्त तो ये वादा कर दिया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, अब क्या करूं? तो ऐसे आदमी को नींद आ भी नहीं सकती। तो हम तो हैरान है कि 6 घंटे 7 घंटे भी कैसे नींद आ रही होगी। मुझे नहीं लगता कि वो 24 घंटे में से 1 घंटा भी सो पाते होंगे। अगर मैंने ऐसे झूठे वादे किए होते तो मुझे तो नींद नहीं आती। तो इनकी मंशा बड़ी स्पष्ट है, इसलिए ये हमें और आपको नहीं इसमें पढ़ना चाहिए कि हनुमान चालीसा वर्सेस हलाल, झटका वर्सेस हलाल, ट्रिपल तलाक, ये वो फला ढीकना, रोज मुद्दे ले आए। मस्जिदों के सामने खड़े होकर जो गाली दे रहे थे वो हिंदू नहीं हो सकते, मैं उनको हिंदू मानने से इनकार करता हूं। मस्जिदों के बाहर खड़े होकर आप मुसलमानों को गाली दे रहे हो, ये रामनवमी मनाने का तरीका है? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ठेकेदार बन रहे हिंदुस्तान। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। हिंदू धर्म के होते कौन हो साहब आप? आज तक तो रामनवमी में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं रामनवमी में भी दिक्कत, हनुमान जयंती पर भी दिक्कत? तो ये दिक्कत कौन ला रहा है? ये बैठे हैं ठेकेदार साहब, बैठे हैं आपके बगल में बैठे हैं, यही है जो दिक्कत लाते हैं। आज तक तो नहीं आती थी। और अंत में हमारे तिहाड़ी का भी जाते जाते छोटा सा क्लिप देखते जाइए। साहेब, कितने दिनों से इसकी भी कोई बकवास नहीं सुनी, तो हमने कहा इनका नया और पुराना रूप थोड़ा सा देख लें और बच्चों को भी दिखा दें, उनको डराने के काम आएगा। और भैया, आप लोग हमारे सुंदर देश को पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश से ही कंपेयर किया कीजिए, बल्कि हम तो कहते हैं कि हम लोग नाइजीरिया से बहुत ऊपर हैं, उससे भी थोड़ा कंपेयर कर लीजिए। हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को बड़ा मुद्दा बनाने वाले लोगों के लिए आज हम श्रीलंका से एक बहुत बड़ा सबक लेकर आए हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हमारे देश में इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें शायद अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के बारे में कोई जायजा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। रुपए की गिरती हालत, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, देश की घटती विकास दर, आम आदमी पर महंगाई की लगातार मार, हर चीज के लिए पीएम ने या तो दुनिया के हालात को जिम्मेदार ठहराया या फिर देश के अंदर की परिस्थिति को। श्रीलंका में इस समय डीजल खत्म हो गया है और पेट्रोल आयात करने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं बचा है। डीजल खत्म होने की वजह से वहां पर बड़े बड़े पावर प्लांट्स को बंद कर दिया गया है और बिजली भी अब वहां बहुत कम बची है। एक दिन में 13 घंटे की लोड शेडिंग वहां पर चल रही है। क्या अर्थव्यवस्था उनके हाथ से फिसल चुकी है? आज अर्थव्यवस्था की रफ्तार बताने वाले जीडीपी के आंकड़े भी आए हैं जो बताते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था की गाड़ी किसी भयानक ट्रैफिक जैम में फंस गई है। हर दिन 13 घंटे की लोड शेडिंग। हालात इतने खराब हैं कि वहां स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी गई हैं और अस्पतालों में सर्जरीज भी रोक दी गई है। दवाइयां और खाने पीने के सामान के लिए वहां पर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। प्रधानमंत्री बहस और आलोचना से ऊपर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ एक पद नहीं है, ये एक संस्था।